कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर की कॉल आई है। पापा आ गए, अपना पापा के साथ टाइम है। मेरा दर्द और सुनने दे। कौन था आपसे कहना था? पापा घर आए थे लेकिन घर आते सब देख के भाग गए घर से। मेरे घर जंगल है। मम्मा के सामने भी होशी की एक्टिंग करूं, घर सही करूंगी, प्रॉमिस। इसके पापा ना इसे फिरा बैठे हम अरी भाई के साथ करते हैं। रुक जाओ जरा, आपकी की तबीयत बहुत खराब है तो हॉस्पिटल गई। हेलो वो ना क्या हुआ? Welcome to Sistrology. This is me, Ikra Kawal. Welcome to another very beautiful day. और आपको पता होगा कि आज है अप्रैल फूल, फर्स्ट अप्रैल है, तो मैंने सोचा मैंने अभी तक कभी अपने किसी बहन पे प्रैंक नहीं किया, तो मैं आज करने वाली हूँ। आज का ब्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है। अब वो प्रैंक क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे उनका रिएक्शन लूंगी, अप्रैल फूल बनाऊंगी, अपने को कुछ कर लूंगी, कुछ अदाकारी लगानी पड़ेगी और इन सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक प्रैंक है, मैं सबसे पहले यही चीज बता रही हूँ। तो ये एक जस्ट एक फन एक्टिविटी है व्हिच आई वांट टू डू एंड आई वांट टू शेयर इट विद माय ऑडियंस एज वेल। मैं आ चुकी थी नीचे, ठीक है, और मैं आपको एक मजेदार खबर देती हूँ कि मैंने ना अभी जो प्रैंक करना है ना वो करना है फातिमा पे। फातिमा फैसल को कपिल शर्मा के शो पे जाने का बहुत शौक है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको जाके बोलूँ कि मुझे कॉल आई है किसी की और वो हमें इंडिया की टिकट्स भी दे रहे हैं और वो हमें कपिल शर्मा के शो पे बुला रहे हैं। लेकिन वो हमें इंडिया नहीं, वो हमें दुबई बुला रहे हैं क्योंकि उसका शो जो है वो दुबई में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी तरफ से ये उसके लिए अप्रैल फूल होएगा, सही है। कि रोजा शेजा तार कर गया था, चिल कर रही थी। अब करते हैं अपने अप्रैल फूल का आगाज। लेट्स गो यार फातिमा, गुड न्यूज है यार। और मैं वो गुड न्यूज सिर्फ तुम्हें ही नहीं सुनाना चाहती, मैं अपनी ऑडियंस को भी, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। क्या? दिल थाम लो। क्या तुम्हारे तो आने से मुझे हंसी आ रही है क्या? यार फातिमा, कैन यू इमेजिन तुम्हारा क्या सपना था, तुम्हारा क्या यार पहेलियां क्यों पूछवा रही हो? गैस मुझे किसकी कॉल आई है? कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर की कॉल आई है। हाँ नहीं सही बता रही हूँ, उसकी कॉल आई है। फातिमा हमें दुबई की एयर टिकट्स दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको कपिल आप एस्ट्रोलॉजी को हम लोग कपिल शर्मा के शो पे इनवाइट करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं तो एकदम पागल हो गई थी, मुझे पता था वहां जाने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा था मैं ऑन। हाँ पासपोर्ट है, मजा आएगा है ना, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। कपड़े पहन के जाएंगे, सबको बुलाया, पांचों को। हाँ नहीं नहीं मैं तो बस सही बता रही हूँ। और उस प्रोड्यूसर का नाम है यादव यादेश वाश शर्मा। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो, उन्होंने मुझे कहा है कि अपनी बहनों की अवेलेबिलिटी और उनकी पेमेंट प्रोसीजर हमें बता दीजिएगा और बजट वही होगा। मुफ्त भी आ जाएंगे। चलेंगे फिर कपिल शर्मा के शो पे, पांचों पूरी एस्ट्रोलॉजी को इन्वाइट किया उन्होंने। हम लोग हैप्पी खुश, फातिमा का सपना पूरा हो गया, फातिमा का ख्वाब सच हो गया। तो मैं फातिमा को बता दूं, फातिमा वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्पेशल फातिमा की चलाकियों के कैरेक्टर को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। गुत्थी गुत्थी आती है ना, ऐसे फातिमा गुत्थी आएगी। इतनी अचीवमेंट किया तुमने लाइफ में कि तुम्हें कपिल शर्मा शो से कॉल आ गया। यार इमोशनल होगी भाई, फातिमा रो रही है। पागल हो? वाकई में? नहीं आंखें दिखाओ, आंखें तो दिखाओ। मैं आपको बताती हूँ फिर हम कपड़े सेलेक्ट करेंगे। तो एक दफा मेरे कैमरे को देखो और हाथ हिला दो, क्योंकि आपके साथ अप्रैल फूल का प्रैंक हुआ है। हाथ हिला दे, हाथ हिला दे, हाथ हिला दे। मैं डेट देख रही थी। मजो आ गया, किसी के इमोशन के साथ खेलना। अच्छा मानो भी साथ इनवाइटेड थी। मैं तो खुश थी, कपड़े भी सोच लिए थे मैंने, बेवकूफ। तुमने जूता पहला मानो के साथ तो नहीं मैं कर सकती क्योंकि मानो के सामने सारा कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन हिरा और राबिया है अभी ऊपर, ये और फातिमा अभी निकल रही हैं। इन लोगों ने जाना है किसी जगह पे अपनी दोस्तों के साथ। इतना सोचा मैंने लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि मुझे राबिया के साथ करना क्या। अरी भाई के साथ करते हैं, रुक जाओ जरा। अरे अल्लाह ना यार, ना अभी ना करो ना यार, सो रहे हो। कहूंगी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है तो हॉस्पिटल गई। स्पीकर पे लगा, स्पीकर देख कैसे खुद एक्साइटेड हो रही है। पता लगे रहा था तुम्हारी कॉल ही नहीं उठाई। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हुआ, क्या हुआ? वो ना राबिया, क्या हुआ? हेलो राबिया, क्या हुआ? हेलो वो ना
तुम लोग कोई शरारत कर रहे हो ना, ये क्या हुआ? मैं रो रही हूँ। एक्चुअली हम काफी गंदे एक्टर्स हैं, माफी चाहती हूँ आपकी नीड डिस्टर्ब करी। अरे वाइंदा के बाद इसी किसी बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है? ये मुझे मारने के चक्करों में थी, कह रही थी मैं, कह रही हूँ आप भी हॉस्पिटल में है। थैंक यू, आप कैमरे को देख के हाथ हिला सकते हैं, आपके साथ भी प्रैंक हुआ है। एक तो हमारे साथ हुआ है प्रैंक उनके साथ, इतनी गंदी हंसी लग गई थी। चलें ठीक है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये एक्टिंग भी नहीं हुई तेरे से, गंदी हंसी आ गई थी। ओह माय गॉड गाइस, आपको पता है पापा आ गए, अपना पापा के साथ टाइम है, मैं और राबिया मिलके करेंगे, राबिया मेरे साथ। चलो जा तो रही, दरवाजा खोलने, अब देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन होएगा, पापा के साथ क्या बोलने वाले। आइए ना, मेरा तो जोश होने दे भैया, नाक नाक कौन ये बदतमीज है, मैंने कहा राबिया बेहोश हो गया, और बदतमीज इतनी पथेटिक एक्ट्रेस है, इससे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं हो जाऊँ। मेरे प्लान को दवा सस्ती एक्टर पापा जी, इसको पता नहीं क्या हो गया, नहीं नहीं वो करती, वो मम्मा घर से बाहर गई, मम्मा से मेरी बात हुई अभी, नहीं उन्होंने बाहर जाके कॉल की, घर नहीं है, राबे से लड़ाई हुई है, घर से चली गई है, इससे मैं भी आ गई, हमने प्रैंक चल रही है। आपने ना अभी अंदर नहीं आना, कौन था आपसे कहना कि पापा घर आए थे, लेकिन घर आते सब देख के भाग गए घर से। आपने भी नहीं आना, तो हम मम्मी का रिएक्शन देखेंगे। मम्मा पापा घर से भाग गए, पापा ना हो गए, लड़की हो गए। एक मिनट इधर आओ, वो भागे नहीं थे कुछ और, एक मिनट और बात। मम्मा के सामने बेहोशी की एक्टिंग करूं, घर से सही करूंगी, प्रॉमिस। अब हम यकीन कर लो, चलो ठीक है। मम्मा इसको ना असली में कुछ हो रहा था, मैंने देखा था, इसके ऊपर इतनी चड़ेलें चिपकी हुई हैं। मैं चड़ेल आके तो मैं झूठ नहीं बोल रही, पता है तू एक्टिंग की क्लास में लेती है। दफा तू अपने माँ बाप को कूटने वाला, अब से फिरा और उसके साथ हमने कुछ बहुत ही बढ़िया वाला करना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और असली में मेरी बात सुनो, उसको कुछ खबर नहीं है। गाइस मैं एक बेस्ट व्लॉगर हूँ, बट बेस्ट प्रैंकस्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे करूँ। ए रुक, अभी तू नहीं जाएगी मेरे बगैर, इधर आ, एक तो तू हंस के इधर वापस आ। अब मुझे ना सही ट्रू ट्रू एक्टिंग चाहिए, पता लगे तुम किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में पढ़ती हो। मुझे एक आइडिया है, हम दोनों मेरे कमरे में ना दरवाजा खोल के चीखे मारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? रखती हूँ, देखते हैं कहाँ तक। अप्रैल फूल, हाय गाइस अप्रैल फूल, मेरे साथ अप्रैल फूल हो गया। चलो जी राबिया, अब आपकी जरूरत खत्म हुई, निकले यहाँ से।
सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ तो मेरे साथ रहिएगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओ एक मिनट, तो मैं आपको बता दूं कि कल का व्लॉग किस बारे में है। कल का व्लॉग होगा अरीब की फैमिली की तरफ से इफ्तार पार्टी। सो आप लोगों ने जो है वो इंतजार करना है, ठीक है। बाय।